पीतमपुर के सागौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अचना और ग्राम मुंडाना गांव के रोड की चंबल नदी पर बनी पुलिया पूरी तरह टूट गई है। करीब 15 से 20 गांव के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही ग्रामीणों को करीब 25 किलोमीटर घूमकर शहरी क्षेत्र में अपने काम के लिए जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो अमूमन बारिश में इस पुलिया पर पानी भर जाता है। प्रतिवर्ष इसी प्रकार यहाँ से ग्रामीण परेशान होते हैं। इस वर्ष भी अधिक बारिश होने के कारण यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई किलोमीटर घूमकर जाने के लिए मजबूर हैं। पुलिया चंबल नदी पर बनी हुई है, जो कि अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। काफी दिनों से टूटी पड़ी पुलिया को प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये पुलिया टूटने से कम से कम 25-30 किलोमीटर चक्कर काट के आना पड़ता है और हर साल की समस्या है कि हर साल रास्ता बंद रहता है। यहाँ दो दो चार चार दिन तक हर साल बंद रहता है। जब पुलिया पानी आ जाता है तो निकल नहीं पाते। एक साल के नहीं, हमेशा की हेडक है ये। कौन सी नदी है ये? ये चंबल नदी है। कहीं भी सागौर जाने के लिए दिक्कत है। सागौर इंदौरामा पीतमपुर बेटमा इंदौर जाने के लिए पूरी दिक्कत है। मकुंद चौहान मुंडाना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।